के बेरला में रहने वाले ग्रामीण इन दिनों एसडीएम दुर्गेश वर्मा से इस कदर नाराज हैं कि एसडीएम की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गए। ग्रामीणों ने एसडीएम पर अपने पद के दुरुपयोग करने और मनचाही संस्था को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो करीब 5 महीने पहले बेरला एसडीएम ने अंबिकापुर की एक संस्था को राशन कार्ड नंबर लगाने के नाम पर 30 रुपए लेने के निर्देश दिए थे। करीब 45,000 राशन कार्ड के हिसाब से संस्था ने 13,50,000 रुपए एकत्रित कर लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद भी अब तक कार्ड नहीं बना है और अब इस मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर आला अधिकारियों ने जांच की बात कही है। सीएम श्री दुर्गेश वर्मा जी के द्वारा लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा गाँव में मकान नंबर के लिए एक अंबिकापुर की संस्था को टेंडर जारी कर दिया जाता है, जिसमें उनके आदेश कॉपी में स्पष्ट लिखा है कि 30 रुपए प्रति व्यक्ति को देना है और प्रति व्यक्ति राशन कार्ड के पीछे, और वो संस्था अपना गांव में लगातार 30 रुपए जो मेरे मतलब एक प्रकार से अवैध उगाही की जा रही है एसडीएम के द्वारा। यहाँ ग्राम सुरोली में स्काईलार क्षेत्रीय द्वारा आवेदन किए थे कि 4 एकड़ में मुर्गी फार्म बनाना है करके, तो पंचायत के द्वारा उसको एनओसी भी दे दी है, तो वो 4 एकड़ के बजाय एसडीएम साहब ने 8 एकड़ का डायरेक्शन करके दिए हैं। अब वो भी वो मंगे थे 1317/1 में, लेकिन वो दिए हैं 1317/4 में, क्योंकि 1317 मतलब मंगा था उसमें 6 एकड़ है यानी 4 एकड़, और जो दिए हैं उसमें 8 एकड़ है। तो हम एसडीएम के बाद बार बार गए, लेकिन वो हरियाणा वाले जाते उस। और ज्यादा जानकारी के साथ पुरातत्व दिलीप साहू फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, एसडीएम साहब की शिकायत कलेक्टर से भी की जा चुकी है, लिहाजा कलेक्टर ने किस तरीके से संज्ञान लिया? देखिए, बेमेतरा जिला का बेरला ब्लॉक का मामला है, जहां बेरला ब्लॉक में एसडीएम दुर्गेश वर्मा के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। वहां पर आनंद फानंद में वहां एनजीओ अंबिकापुर से एक एनजीओ है, उसको एनजीओ बना के उसको गांव गांव में 30 रुपए वसूलने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन आनंद फानंद में शिकायत होने के बाद यहाँ कलेक्टर आया, कलेक्ट्रेट में उसको जाँच के लिए प्रतिवेदन भेज दिया गया कलेक्टर के द्वारा। जी, इसके अलावा लगभग इतनी संख्या में ये ग्रामीण पहुंचे थे, क्या क्या शिकायतें कुल मिलाकर इन ग्रामीणों ने की है? कम से कम कलेक्टर अभी 200 ग्रामीण पहुंचे थे, जहां डायरेक्शन लेकर राशन कार्ड को बनाने के लेकर और जमीन बिक्री लेकर कई ग्रामीण है, वहां 200 ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर मैडम के अभी तक उनको आश्वासन दिया गया है जांच करने के लिए, लेकिन जांच पूरी नहीं हो पाई है, क्या हुआ कार्रवाई इसके लिए। खुद एसडीएम से आपने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या हवाला दिया है? एसडीएम साहब बोल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ बेटर मनी बोल सकता क्योंकि एसडीएम से हुआ है ऐसा बोल के। और वहीं कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि जल्द ही निराकरण का उन्होंने बात जरूर कही है, लेकिन कितना समय लग सकता है? कलेक्टर का कहना है कि मैं टीम बना के वहाँ भेज दिया हूँ, लेकिन टीम जब तक रिपोर्ट नहीं पेश करेगी जब तक मैं उनसे कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप। और वहीं एक शिकायतकर्ता भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, राहुल, जिनका नाम है, बहुत स्वागत है आपका राहुल। राहुल, किस तरीके की समस्या आपको आ रही थी और क्या आरोप, जैसा कि तमाम सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम साहब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या आरोप है आपका? मैम, लगातार क्षेत्र के ग्रामीण शिकायत कर रहे थे, हमारे पास आके समस्याएं रख रहे थे कि गांव में 30 रुपए लेकर मकान नंबर जारी किया जा रहा है करके। जी। जब हम उससे तय पर गए तो पता चला कि एसडीएम द्वारा आदेश जारी किया गया है कि एक स्वयं से मतलब एक एनजीओ को आदेश दिया गया है कि आप 30 रुपए उसमें लेंगे और प्रति राशन कार्ड के पीछे 30 रुपए आपको कलेक्ट करके मकान नंबर देना है। उसमें लगभग बेरला ब्लॉक में 50,000 के आसपास राशन कार्ड है, इस प्रकार 15 लाख के आसपास की धोखाधड़ी जनता से सीधी सीधी लूट है ये 30 रुपए की। और वो ग्रामीणों को ये बोलते थे, अगर कोई मना करता था कि इसमें क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ शासन और ना ही किसी संस्था किसी का नाम भी नहीं होता था उस लोगों में, जब वो मकान नंबर देते थे पर्ची भी देते थे, कोई ना तो संस्था का नाम होता था ना शासन का नाम होता था, तो कई लोग जब बोले तो उनको ग्रामीणों को धमकाते थे कि अगर आप इसको नहीं देंगे, मकान नंबर नहीं लेंगे, तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। जी मैम, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर मैडम ने कल एक जांच कमेटी बैठाई है, आज उसका रिपोर्ट आएगा बोला गया है,
और दूसरे तत्काल मैडम उस आदेश को निरस्त किया गया है। अगर आदेश सही होता तो निरस्त नहीं किया जाता जी। आदेश वाकई में गलत था तभी निरस्त किया गया है। और दूसरी बात, कलेक्टर को जानकारी भी नहीं थी उस मामले की कि ऐसा आदेश दिया गया है, और ये छत्तीसगढ़ शासन का कोई योजना भी नहीं था जी। जी इस प्रकार कितना समय लग सकता है ये भी बात कलेक्टर साहब ने कही होगी जी। कितना समय लग सकता है, कलेक्टर साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया होगा? आज मेरे को जांच आने दो, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। हम दो एक दो दिन हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम कलेक्टर मैडम के पास जाएंगे जी। और ये सीधी सीधी अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो लेटर इन्हीं के नाम इन्हीं के दस्तखत में जारी हुआ है, एसडीएम साहब के दस्तखत में जी। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।